हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? लास्ट क्लास आपने इंजॉय की थी? लास्ट क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा था? हैज आपका कॉन्सेप्ट, होप सो आपने करके देखा होगा। मैंने आपको आपकी क्लास की बुक भी दिखाई थी, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और उस पर क्वेश्चंस कीजिए। वही बस वही आपके लेवल पे, और मैं जो कुछ रुपये बताती हूँ उसको अटेंड कीजिए बस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैपिटल लेटर्स। कैलकुलेटर्स को यूज कहाँ पे करते हैं? तो चार जगह। सबसे पहली, वेयर टू बिगिन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। दूसरा, फॉर द वर्ड आई। आई एम जब भी फिर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तीसरा, फॉर द नेम ऑफ, डेज एंड मंथ्स। चौथा, फॉर द पीपल एंड प्लेसेस। ठीक है, ये चार जगह हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। से आई हैव अ कार, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर है आई, वो होगा कैपिटल। हमने लिखा है टू बिगिन अ सेंटेंस। दिस इज माय पेन, तो इसमें दिस का जो टी होगा, आपको लिख के दिखाती हूँ। पहला वाई की, दिस इज माय, ये देखिए आप, ये जो टी है ये कैपिटल है। ठीक है, फॉर द वर्ड आई, आई अगर देखिए आई लेटर अगर सेंटेंस के बीच में भी हो तो भी ऑलवेज कैपिटल में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, संडे आई विल गो टू, देखिए यहाँ पे तीन चीजें आ रही। पहला मैंने कहा था टू बिगिन अ सेंटेंस, सेंटेंस को बिगिन करने में नेक्स्ट में एन आ गया। अगले संडे मैं पार्क जाऊंगा। दूसरा मैंने आपको बताया फॉर द वर्ड आई, यहाँ पे आ गया वर्ड आई। ठीक है, तीसरा मैंने बताया फॉर द नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, ये डे संडे आ गया, संडे का एस, ये तीनों कैपिटल होगा। राइट, डेज एंड मंथ्स। My sister lives in Delhi. ये दिल्ली का डी आ गया, दिस इज ऑल्सो कैपिटल। यहाँ पे एम तो कैपिटल था ही, फॉर द नेम ऑफ प्लेस, प्लेस कैपिटल आ गया। फिर एक एग्जांपल ले लो, माय ब्रदर्स
वन, यहाँ पे भी माई का एम और राम का आर, ठीक है, क्योंकि इससे हमने वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग किया है, और राम नेम ऑफ द पीपल, ठीक है, ये राम आ गया, समझ में आया इतना। ये देखिए ये ब्रदर्स एस एपोस्ट्रॉफी है, ये एपोस्ट्रॉफी एस इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है ब्रदर का, इसका मतलब होता है का। दिस इज राम्स पेन, ये है राम का पेन है, देखिए राम्स पेन एपोस्ट्रॉफी एस पेन, दिस इज राम्स पेन, ये राम का पेन है, एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है, एपोस्ट्रॉफी लगा के अगर हम एस लगाते हैं इसका मतलब होता है का, जिसके साथ लगाते हैं उसका, राम का, जब हमने ब्रदर के साथ लगाया तो ब्रदर का, मेरे ब्रदर का नाम राम है, ठीक है। तो मैंने आपको एपोस्ट्रॉफी का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको बताया कब को हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। और मैं देख लेती हूँ अपनी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स अगर कुछ बचे हों तो, हाँ मंथ का है तो मंथ का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, इसमें आई एम इन अक्टूबर, इसमें आपके तीन लीटर आए आई, आई यहाँ से फॉर द वर्ड आई, और ये टू बी की ना सेंटेंस, टू बी की ना सेंटेंस आया कास्मी का की आ गया, फॉर द नेम ऑफ प्लेस हो गया, और अक्टूबर का ओ आ गया फॉर द नेम ऑफ मंथ्स, डेज एंड मंथ्स। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इसको मतलब आपको ये चार पॉइंट, ये पॉइंट्स में आपको डिमांड करना है, आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, कीजिएगा सारे, हाँ ये लेवल के आ जाएंगे, ठीक है सर, आज के लिए इतना ही।